बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां भाजपा प्रदेश कार्यालय में सहयोग केंद्र लगातार जारी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में सहयोग केंद्र लगातार जारी है। इसी के तहत डिप्टी सीएम अरुण साव आज कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं की समस्या सुनकर उनका निराकरण किया जाएगा। ये बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, छत्तीसगढ़ रायपुर से, जहाँ भाजपा प्रदेश कार्यालय में लगातार जारी है सहयोग केंद्र, जिसके तहत आज डिप्टी सीएम अरुण साव कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक डिप्टी सीएम ये इनकी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं की समस्या सुनकर उनका निराकरण आज डिप्टी सीएम अरुण साव करने वाले हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है, जहां आपको बता दें भाजपा के प्रदेश कार्यालय में सहयोग केंद्र जारी है। इसके तहत कार्यकर्ताओं की समस्या डिप्टी सीएम सुनने वाले हैं। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में रहेंगे और उस कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने के साथ ही उनकी समस्याओं का निराकरण भी आज हो जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भाजपा प्रदेश कार्यालय में सहयोग केंद्र लगातार जारी है, जिसके तहत आज डिप्टी सीएम अरुण साव कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने वाले हैं। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा कार्यक्रम। इसके तहत डिप्टी सीएम कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे और उनका निराकरण भी करेंगे। ये बता दें आपको, ये बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जब प्रदेश कार्यालय में सहयोग केंद्र लगातार जारी है, भाजपा के डिप्टी सीएम प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनकर आज उनका निराकरण करने वाले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक डिप्टी सीएम कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने वाले हैं, जिसके बाद उनका निराकरण किया जाएगा। ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ रायपुर से आ रही है, भाजपा प्रदेश कार्यालय में सहयोग केंद्र लगातार जारी है, जिसके तहत अरुण साव कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे और समस्याओं का निराकरण करेंगे।